अबे ओ बेवकूफ के बच्चे, भाई क्या कहना, मैं बच्चा और तू बेवकूफ का बाप है, अंधा है ये, तूने क्या किया भाई, क्या कहना, मैं अंधा हूँ तो फिर मुझसे क्यों गुस्सा है, तेरे अंधे की आई थी। सविता देवी का बहन, ओ सविता बहन, ओ फ्रेंड चेयरमैन, तू स्त्री को बुलाता है या किसी ट्रेन को? सविता बहन, ओ सविता बहन, आती हूँ आती हूँ। क्यों जाए, मैं शिकार खेलने जा रही हूँ, तेरा जी चाहे तो मेरे साथ चल, बहन ये तेरा तार आया है, शायद पिताजी का होगा, सही कर दे। तुम्हारे पिता पर खून का जुर्म लगाया गया है, धीरज रखो, मैं मदद कर रहा हूँ। श्यामलाल, बिल्कुल झूठ, पिताजी खूनी कभी नहीं हो सकते, जरूर कुछ फरेब मालूम होता है। अरे भाई सही तो कर दो। ये क्या, आपके पिताजी ने मुझे जेल से बचाया था, अगर तुम सच्चे खूनी का नाम जानना चाहती हो तो वारोली की पहाड़ी पर इलेक्ट्रिक वायर के खंभे के पास आज 3 बजे अकेले आकर मिलना, आपका शुभ चिंतन। जयंत, मैं अभी बॉम्बे जाऊंगी, टाइम क्या हुआ है? 10:30, 10:30, ट्रेन छूटने का वक्त हो चुका है, सिर्फ 5 मिनट बाकी। ओह माय गॉड, कपड़े बदलने का भी वक्त नहीं। जयंत, ये कागज मुझे दे दो। अरे भाई भाई, भाई क्या कर दिया भाई, भाई। Oh,
मगनलाल, तुम्हारे भाई श्यामलाल की गवाही से यह साबित हो चुका है कि ईश्वरलाल का खून तुम्हारे ही हाथ से हुआ है। अब अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो? मैं फिर कहता हूं कि मैं निर्दोष, हां हां माना कि मैंने इनके हाथ में खंजर देख लिया, फिर भी मैं अपने भाई को कभी खूनी नहीं समझ सकता। मगर मगनलाल और ईश्वरलाल में जो तकरार हुई थी उसका क्या मतलब? पिताजी, ये जिंदगी और मौत का सवाल है, इसका इंसाफ बहुत सोच समझकर होना चाहिए। सुंदर, मेरी तमाम जिंदगी इंसाफ की राह में गुजरी है और अब भी मैं इंसाफ के नाम को बट्टा न लगने दूंगा। फिर भी मगनलाल एक पब्लिक रेलवे सर्वेंट होने पर भी अपने फर्ज को भूले हैं। मगर पिताजी, बस मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। बेटा, मगनलाल की जगह अगर तू भी होता तुझे भी बेखटके मैं पुलिस के हवाले कर देता। मगनलाल जी, इंक्वायरी खत्म हो चुकी, अब क्या कहना चाहते हो? महाशय, बदनसीबी से मैं संजोग का शिकार बना, मगर इतना जरूर कहूंगा कि मैंने आज तक वफादारी से रेलवे कंपनी की सेवा की है। अब भविष्य में इस प्रकार सेवा करना मेरी किस्मत में हो या न हो, फिर भी मैं मरते दम तक रेलवे कंपनी का हरफा रहूंगा। सर्जन की ऑफिस यही है? जी हाँ, मगर आपका नाम? ठहरो बाबा, ठहरो, कहाँ जाती हो? भाई, अंदर जाने की इजाजत नहीं। मगर मेरा काम नहायत जरूरी है। मैं मजबूर हूँ क्योंकि अंदर मीटिंग हो रही है। ये बात है। मगनलाल की बेटी, बेटी सविता, इस तरह आना मुनासिब न था। पिताजी, श्यामू दादा का तार मिलने पर मैं यहाँ आई। हाँ, मैंने ही तार भेजा था। सविता तो हमारी मानी हुई फ्रंटियर मेल है, इसलिए तो बिजली की तरह आ पहुँची। मिस्टर सुंदरलाल, मिस सविता। अच्छा, फिर ये लड़की क्या कहना चाहती है?
सिर्फ यही कि मेरे पिताजी बेकसूर हैं। इसका सबूत ये है। आपके पिताजी ने मुझे बचाया था। अगर तुम सच्चे खूनी का नाम जानना ही चाहती हो तो वारोली की पहाड़ी पर इलेक्ट्रिक वायर के खंभे के पास आज 3 बजे अकेले आकर मिलना। आपका शुभ चिंतक। हाँ, ये कौन होगा? हाँ, एक जगन्नाथ नामक आदमी को मैंने जरूर बचाया था। वो एक पैसेंजर की पॉकेट लेकर भागा था, मगर मैंने दया करके उसे छोड़ दिया। अगर यही बात है तो मेरी यह अर्ज है कि मुकदमा मुलतवी रखा जाए। हाँ हाँ, जरूर। इस तरह मेरे भाई की इज्जत बच जाएगी। मंजूर है, मगर मगनलाल को पुलिस की हिरासत में रहना होगा। थैंक यू सर। शाबाश बच्ची, आयन मौके पर आकर तूने बड़ा काम किया। जरूर, माय कांग्रेचुलेशन मिस सविता। बेटी, अगर तू चाहे तो जगन्नाथ से मिलने के लिए मैं तुझे अपनी मोटर दे सकता हूँ। और अगर चाहो तो मेरी भी मोटर आपकी सेवा में हाजिर। थैंक यू, मैं आपकी मोटर लूंगी। श्यामू दादा, आप पिताजी की सेवा में रहिए। हाँ हाँ, ये भी ठीक है। चलो अब हम साथ में जाएंगे। नहीं, मैं अकेली जाना चाहती हूँ, वरना जगन्नाथ हम दोनों को साथ में देकर बहस जाहिर न करेंगे। मिस सविता, मुझे भी अपने साथ चलने की इजाजत दो। अरे क्या हो रहा है? रेलवे की ऑफिस है या बॉलो करना? जाओ, सब अपनी जगह पर बैठ के काम करो। बदमाशों ने हमला किया तो इसका जवाब ये है। आई सी, अब तो पूरी आप मिस 1936 है। ड्राइवर, सीता भाई को मोटर सौंप दो। सरकार, ये बहुत कीमती मोटर है। अगर मैं अच्छी तरह मोटर न चलाऊं तो? घबराओ नहीं ड्राइवर, देखो मैं किस तरह ड्राइव करता। बाप रे, ये तो मेल की तरह हवा हो गई, और वो भी फ्रंटियर मेल की तरह। ड्राइवर, मैं भी इसके पीछे जाता हूँ। श्यामलाल जी, अब तो सब लोग रेलवे डाकुओं से हैरान हो गए हैं। हाँ महाशय, भगवान सबकी लाज रखे। अरे, ये मेरी मोटर कौन लिए जाता है? कौन मोटर लेकर भाग गया? सरकार, छोटे बाबू मोटर लेकर चले गए। छोटे बाबू? छोटे बाबू कौन? नाला एक कहीं का बाप की मोटर लेकर भाग गया। आजकल के बिगड़े हुए जवानों से तो परमात्मा बचाए। बूढ़ा बाप पैदल चले और बेटा मोटर में हवा हो जाए। बाबूजी, मुझे बहुत जरूरी काम है, हुक्म हो तो मैं जाऊं। अच्छा, आइए। छोटे बाबू ले गया, अब की जो सामने आए तो चमड़ी उतर दूं। का काम नहीं हूँ छुपाने जल हसी था तो मेरे दिल ने बिछाहा तुझको। तो बात है, हम तो आशिक है तेरा नाद उठाने के लिए और करेगा।
Signal X calling. निगाह रखो, वो धोखेबाज है। धोखेबाज? धोखेबाज फिर?
वो आज 3 बजे मगनलाल की पुत्री सविता से सारा फेस कटने वाला है। देखो वो बारोली की पहाड़ी पर इलेक्ट्रिक वायर के खंभे के पास जाने न पाए और सविता भी वहां पहुंचने न पाए। बंद करो। ओके मास्टर। ओ बाप रे, ठहरो। ये दोनों कौन हैं? क्या जाने बुद्धू जी। जाओ इनको बाहर निकाल दे। अच्छा चलो। अबे ए, क्या ये तेरे बाप की जगह है जो फिल्म उतारने आया है? है भाई क्या कहने? यही कहने हैं कि अपनी टांगे सर पर उठाओ और यहाँ से जल चले जाओ, वरना तूफान हो जाएगा, यानी मालिक के मकान तुम्हारा कचुमर बना देगा। अरे बाबू हम तो सिर्फ फिल्म उतारने आए हैं। अरे तुम्हारे फिल्म उतारने वालों की ऐसी तैसी, जाओ चले जाओ। हम नहीं जाते। छोकरे इस बजर बट्टू को बुला ले वरना मार मार के इसका दलिया बना दूंगा। अबे वो बजर बट्टू याद रख, मेरी मोटर जा रही है वरना मैं तेरा भूरता निकाल देता। अरे कमर तो कहां भागे जा रहे हो, मुझे तो ले चलो। अरे तुम्हारा नाश है। बड़ा ताज्जुब की बात है, मकान तो अखाली, फिर ये कौन मवाली? कोई भी हो चल दूसरे लोकेशन पर चले। ये औरत है या पंचकी, इसके बस में या तो कोई भूत या शैतान है। यारो ये औरत नहीं
कोई बड़ा तूफान है। चलो 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 भाई उसका पीछा करें। चलो 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 सविता देवी। हैंड्स अप। कौन? जगन्नाथ। हाँ जगन्नाथ। देवी ईश्वर के लिए इस पिस्तौल को एक तरफ कर दो, मैं कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। अच्छा मैं मानती हूँ, मैंने एक पैसेंजर की पॉकेट चोरी की थी, तुम्हारे पिताजी ने मुझे बचाया था, जो एहसान मैं जन्म भर नहीं भूल सकता, परंतु तुम्हारे पिताजी का समझाया हुआ सबक मैं संजोग में पाकर थोड़े ही दिन में भूल गया और मैं चंडालों के जाल में फंस गया। तो मुझे बता दो कि डिप्टी स्टेशन मास्टर का खून किसने किया? ये रही उसकी मोटर। वो किधर गई होगी? शायद उधर ही गई होगी। चलो। तो मुझे कहो खूनी का नाम क्या है? मैं बताता हूँ मगर जरा आहिस्ता बोलो। उस खूनी का नाम मुझे यकायक मालूम हो गया। जल्द कहो उसका नाम क्या है? उसका नाम सुनो, कोई आ रहा है। कोई नहीं है, जल्द बता दो, घबरा नहीं। अच्छा उसका नाम देखो वो बैठी है। बेवकूफ कहाँ मरता है? अरे मेरी टोपी, मेरी टोपी। Oh!
हुआ कि हम लोग मौके पर आ पहुंचे। सविता, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ अकेले आना खतरनाक होगा। वाह वाह बहन वाह, खूब लड़ी। अगर वो कार भाग ना जाते तो सबको और भी मलिदा पुलाव खिलाते। खूब रंग जमा, दे दी, एक यहाँ एक वहाँ। क्यों बच्चा लबू, कैसा मजा आया? पर क्या करने, चले खाने की भी फुर्सत नहीं मिली। जयंत, सुंदरलाल जी से मिलो। ये रेलवे कंपनी के प्रेसिडेंट मगनलाल जी के बहादुर पुत्र हैं। सुंदर, ये मेरा भाई जयंत है। जनाब, मैं आपको देखकर बहुत खुश हुआ। आप तो बड़े जबरदस्त मुक्केबाज निकले। मगर हाँ, जगन्नाथ क्या हाल हुआ? चलो देखें। बदमाश। हाँ हाँ, जल्द कहो भाई। जगन्नाथ का मृत्यु हो गई। मेरी समझ में नहीं आता कि बदमाश तो बिल्कुल सामने थे, फिर गोली जगन्नाथ की पीठ पर कैसे लगी? होना था सो हो गया। अब ये पुलिस केस है, चलो इस लाश को यहाँ छोड़कर पुलिस को खबर कर दें। मगर हाँ सविता, फिर ऐसी नादानी न करना। जो कुछ हो, मैं अपना कर्तव्य पूरा करने में जान की भी परवाह न करूंगी। वाह बहन वाह। तो अब चलो मोटर की तरफ जाएं। जैन, मेरी मोटर को पहाड़ी के नीचे पंचर हो गया है, तुम उसको दुरुस्त करके ले आना। मैं सविता के साथ जाता हूँ, समझे ना? क्यों भाई, समझे ना? है? मेरी समझ में तो आ गया, परंतु हमारे दोस्त लब्बू की समझ के बीच में कुछ नहीं आया। अरे मेरे भोले भाले दोस्त, जरा इधर तो आ। क्या दुनिया में हरे केले खाने के सिवा तुझे और भी कोई बात सूझती है? क्या पीले केले? Thank you.
हेलो सुंदरलाल जी, क्यों क्या खबर है? सच मानो मुझे तो सविता के लिए बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। श्यामू दादा, जगन्नाथ का मृत्यु हो गया है। ये तू क्या कहती है, ये कैसे हुआ? सिग्नल एक्स का भेद खुलने से पहले किसी भेदी शख्स ने गोली मार कर उसकी जान ले ली। अफसोस, ईश्वर जाने वो सिग्नल एक्स और भी कितने आदमियों का भोग लेगा। मगर बेटी, मैं भी तेरे पिता का सगा भाई हूँ, मैं उनके छुड़ाने की हर एक कोशिश करूँगा। तुझे मेरी मदद की जरूरत हो तो फौरन याद करना। थैंक यू वेरी मच श्यामल दादा, जब जरूरत होगी तो कहूँगी। चलो सुंदरलाल जी, अब देर होती है। ओके, मैं जाती हूँ। प्रणाम श्यामलाल जी। प्रणाम। सविता, अब तो मैं तुम्हारी डीमार कंपनी का मेंबर बन चुका हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूं, इसलिए मैंने एक तरकीब सोची। हाँ, तरकीब? अच्छा, वो कौन सी? मैं पिताजी से आज्ञा लेकर लाल वाली के स्टेशन पर कैबिन मैन बनूंगा। तरकीब तो ठीक है। बेशक। अरे ऐसा मल बड़े बहादुर आए, एक अकेली औरत को पकड़ ना सके। अरे वो अकेली कहाँ थी, साथ में तो अपने मददगारों की रेजिमेंट ले आई थी। शुरू में तो अकेली थी ना? अरे मेरी जानी, अकेली तू उसको कहती है, बड़ी नादान है, साथ में हर वक्त उसके एक बड़ा तूफान है। तूफान है, तूफान है तो हाथ में चूड़ियां क्यों नहीं पहन लेते? मगर अपने ही तवेले के घोड़े ने फंसा दिया तो हम क्या करें? सच है, एक वक्त घोड़े पीर के उर्स में मेरा भी यही हाल हुआ था। क्या कहा? अरे यार, ये सब झगड़ा छोड़ दो, अब बताओ क्या हुआ था। क्या हुआ था? फेवरेट माय घोड़े खेला अरबी बेलर का फोटो, फेवरेट माय घोड़े खेला अरबी बेलर का फोटो, होमने से जॉकी सारे, होमने से जॉकी सारे, फेवरेट माय घोड़े खेला अरबी बेलर का फोटो, फेवरेट माय घोड़े खेला अरबी बेलर का फोटो। टीम में मोदी वजीर उल मुल्क की किस्मत से निकले में मोती की है वजीरुल मुल्क, मेरी किस्मत से निकलेगा वही मुल्क। अरे पतली और छबली तक मैं पहुंच जाऊंगा, पतली और छबली तक मैं पहुंच जाऊंगा। जोड़ा बदल के, जोड़ा बदल के, फेवरेट मैं घोड़े खेला अरबी बेलर का फोटो, फेवरेट मैं घोड़े खेला अरबी बेलर। फर्स्ट क्लास से फर्स्ट क्लास तक घोड़ा आया शोर, अरे पलंग से फर्स्ट क्लास तक घोड़ा आया शोर। जॉकी ने जब साइड दबाई, जॉकी ने जब साइड दबाई निकला नंबर फोर, जॉकी ने जो साइड दबाई निकला नंबर फोर। जब चौक पे जाके देखा ये किस्मत का अंधेर, जब चौक पे जाके देखा ये किस्मत का अंधेर, घोड़ा मेरा था सोवे। हैव अ स्मोक। थैंक यू।
मिस्टर श्यामलाल, हमारी एरोप्लेन कंपनी ने जो काम आपके सफर किया था उसका क्या हुआ? मिस्टर जैन, आपके हुक्म के मुताबिक मैं आपके सब काम अंजाम दे रहा हूँ। अगर इसी तरह कामयाबी मिलती रही तो जरूर रेलवे का नाम बदनाम होगा और आपकी एरोप्लेन कंपनी को पूरी फतह मिलेगी। मगर मिस्टर श्यामलाल, एरोप्लेन कंपनी तो उसी वक्त कामयाब हो सकती है जब रेलवे कंपनी को काफी नुकसान पहुंचे। यानी एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? मैं समझ गया। परंतु इसका इनाम? काम पूरा होने पर मैं कंपनी की तरफ से आपको 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। 10 लाख रुपया? हाँ हाँ, 10 लाख रुपए। लीजिए ये दस्तावेज। अच्छा जनाब, मैं साबित कर दूंगा कि श्यामलाल जैसे चालबाज की जोड़ी दुनिया में मिलनी मुश्किल है। ऑल राइट, इट्स अ बार्गेन। ओके, तो अब मुझे इजाजत है। मिस्टर श्यामलाल, याद रहे कि 10 लाख रुपए कमाने का ऐसा मौका बार बार नहीं मिला करता। आप बेफिक्र रहिए। ऑल राइट, बाय बाय। Signal apps, call in. Yes, master, मैं गुलाब हूँ। हमने उस सविता को रोकने की कोशिश की मगर। हाँ हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। जगन्नाथ का खून हुआ और सविता भाग गई बेवकूफ तरीके। 4 अप पार्सल ट्रेन नदी के पुल से सोने की ईंटें लेकर 12 बजे जाएगी। देखो, पुल उड़ा देने का बंदोबस्त करो और जब ट्रेन गिरे तब सोने की ईंटें लूट कर हवा हो जाना। अगर इसमें गलती थी तो तुम सबकी खैर नहीं। सुना या नहीं? ओके मास्टर। Yamuna, Yamuna, Geti.
समझ गया, दुनिया में सिर्फ एक ही सुंदर युवती का ऐसा मखमल सा नर्म हाथ है और वो है तुम्हारा सविता। और दुनिया में सिर्फ एक ही जवान की ऐसी खुशामदी जबान है और वो है तुम्हारी सुंदर। मॉस्कोड मशीन यहाँ किस लिए? मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो क्या तुम्हें ये टिक टिक का पार्ट मैं सिखा दूँ? टिक टिक का पार्ट? हाँ हाँ तो सिखा दो। अच्छा देखो। तो सुनो, मॉस्कोड की खबर सिर्फ अंग्रेजी भाषा में भेजी जा सकती है। हाँ देखो सुनो, इस तरह होता है, 26 अक्षरों की 26 अलग अलग निशान है जिन्हें टिक टिक करने पर अपना काम पूरा हो सकता है। देखो इस तरह होता है, आई आई, ये हुआ एल एल, ये हुआ ओ ओ, ये V, V, ये है E, E, I, L, O, V, E, बराबर बराबर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा आगे बढ़ो, ये हुआ Y, Y, ये O, O, ये U, U, Y, O, U, I love हाँ, मैं समझ गई। सुंदर बाबू जरा धीरज से काम लो, इस नए शागिर्द के लिए बहुत मुश्किल पाठ हो गया। सविता, जिंदगी में सिर्फ यही एक ऐसा सबक है कि जो हर एक आदमी को सीखना जरूरी। सविता, किसी दिन मैं इस सबक को तुमसे सुनाने के लिए कहूंगा और वो दिन तब आएगा कि जब मैं रेलवे का हर एक काम सीख कर पिताजी को अपनी लियाकत का सबूत दूंगा। सविता, खामोश क्यों हो? मैं तुमसे प्रेम करता हूं। कहो सविता, क्या उसी दिन मैं इस सबक से फायदा उठा सकूंगा? नहीं, उस दिन नहीं। फिर कब? जब मैं अपने पिताजी को बेकसूर साबित कर दूं, तब। सविता। हाँ, मगर तब तक हम दोनों दोस्त रहेंगे। सविता, हम दोनों पागल प्रेमी की तरह साथ में ही जीवन गुजारेंगे। सविता। सुंदर। हाँ बच्ची, मैं सिर्फ 2-4 मिनट के लिए सुंदर बाबू को मिलने आया था। आइए श्यामलाल जी, तशरीफ रखिए। अच्छा, अब तो मैं जाती हूँ। जल्दी काहे की सविता, खैर मैं भी आता हूँ। थैंक यू श्याम दादा, मगर जरा स्टेशन पर जाना है, मैं जाती हूँ। लगा, पुल उड़ा, ट्रेन गिरा, लेकिन हम लोग कहीं इसी तूफान की चपेट में आ गए तो सफा जट मैदान हो जाएगा।
रेल की डाकू मालूम होते हैं जो पुल उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कमबख्त आहिस्ता बोल, चल जल कैमरा लगा दे, चल। अपना काम खत्म हो चुका है, सुंदर बाबू को जल्द खबर करनी चाहिए। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। चल 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 चल। होती है? हाँ मालूम तो ऐसा ही होता है। यो जैन क्या है? डाकू पुल उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी आओ। क्या तू सच कहता है? हाँ हाँ मैं सच कहता हूँ, जल्द चलो। जैन क्या तू पागल तो नहीं हुआ? नहीं श्यामू दादा, मैं सच कहता हूँ। श्यामलाल जी, क्या आपकी मोटर मौजूद है? नहीं, मैं आज मोटर तो नहीं लाया। हो चुका, चलो जल्दी सुलगा दो। सुलगा दो बाबा, सुलगाओ, सुलगाओ बाबा, सुलगाओ बाबा, सुलगाओ। अरे भागो, अरे ठहरो, मैं भी तो आता हूँ। अरे वो भी तो सुलग गया। अरे कहाँ भाग गया? अरे मुझे तो ले चलो भाई। अरे मुझे तो, मैं भी तो Thank you.
गाड़ी कैसे ठहर गई? अरे बेटा भागो, नहीं तो हम भी जेल में ठहराए जाएंगे। पिताजी, सुंदर, सविता, जयंत और लब्बू, मैं किसकी बहादुरी की तारीफ करूं? तुम सबने खतरनाक एक्सीडेंट रोककर हजारों आदमियों की जान बचाई है और उनके बाल बच्चों की दुआ ली। हाँ मगन भाई, आजकल के जवान तो कमाल कर रहे हैं। जरूर, ये अपनी भारत माता के लिए बड़े गर्व की बात है। हाँ हाँ भाई, क्या कहना पिताजी, फिर भी मुझे अफसोस है कि डाकू भाग गए। अरे हाँ, इस गड़बड़ में मैं ये तो भूल गया कि मैंने अपने फिल्म कैमरे में उन डाकुओं की फिल्म उतार ली है। क्यों लबू? भाई क्या कहना? हाँ, जयंत, क्या डाकुओं की फिल्म उतार ली? क्या डाकुओं की फिल्म उतार ली? क्या सचमुच तूने डाकुओं की फिल्म उतार ली? हाँ हाँ, फिल्म उतार ली। भाई क्या कहना, फिल्म नहीं उतारी तो क्या हजामत बनाई? शाबाश जयंत, बस जल्द फिल्म लेकर डेवलप कराने के लिए फिल्म कंपनी में ले जाओ। कॉपी निकलने पर खुद ब खुद डाकू की पहचान हो जाएगी। बहुत अच्छा ख्याल है बेटा जय, चाहे तो मेरी मोटर लेके जा। मेरी भी मोटर मौजूद है। हाँ हाँ, सुंदर बाबू की मोटर ठीक रहेगी। पिताजी आप चिंता न कीजिए, मैं तो ईश्वर से भरोसा रख कर बैठा हूँ। टाइम अप, वक्त हो चुका, चलो। पिताजी अब मैं जाती हूँ। चलो अब जाए। भाई जी, मैं अपने ही बच्चे समझकर तुम्हारे बच्चों की हिफाजत कर रहा हूँ, कोई फिक्र न करना। जग्गू का लड़का लगाओ, कितना खूबसूरत। अगर दुश्मनों को मदद देने के बजाय हमारा ही साथी बन जाए तो जंगे मोहब्बत का तूफान शुरू हो जाएगा। नाव जीवन की तिराना ये कहीं आसान है? प्रेम सागर में फंसे तो हर तरफ सिग्नल ऑफ कॉलिंग। यस मास्टर। सुनो, पुल उड़ाने की कोशिश में तो तुम निष्फल रहे, दोबारा ऐसा हुआ तो इनाम कौड़ी भी न मिलेगी। और ये भी सुन लो, तुम सबकी बर्बादी की चाबी शैतानजादे जयंत के हाथ में है, उसने तुम सबकी फिल्म उतार ली है और अभी 3 बजे फिल्म मुश्किलों में जा रहा है। हाय हाय, देखो जयंत वहाँ जाने न पाए और फिल्म भी तुम्हारे कब्जे में आ जाए, वरना तूफानी तूफान है। सुनते हो, अगर इसमें जरा भी गफलत हुई तो तुम सबकी बर्बादी हो जाएगी। बंद करो। आइए श्यामल दादा, क्या खबर है? कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ ये खबर लेने आया हूँ कि जयंत फिल्म का डब्बा लेकर निकल चुका या नहीं। अभी अभी जा रहा है, आइए बैठिए। का डब्बा, फिल्म का डब्बा।
लो वो आ गए। सामू दादा प्रणाम। प्रणाम बहन, अब हम फिल्म स्टूडियो जा रहे हैं। जा बेटा फटाफट। मेरा जयंत बड़ा इज्जती है लेकिन होशियार भी बहुत है। भाई क्या कर रहे, हमारे क्या हजामत की है भाई, होशियारी से जाना, कहीं रेल के डाकू फिर हैरान ना करें। अजी फिक्र ना करो, मैं भी संकीर्ण मेल का भाई हूँ। भाई क्या कहना है लग्गू का भाई लग्गू, ये क्या कर रहा है? भाई क्या करना, अपने केले देख रहा हूँ। मगर इसमें तो फिल्म है, देखता नहीं इसको काली पट्टी लगाई गई है। इसका ये मतलब है कि जब तक लेबोरेटरी में ना जाए इसको नहीं खोलना, वरना ये धुंधली हो जाएगी। देख इसमें मेरी फिल्म और इसमें तेरे केले। इसमें केले, इसमें फिल्म, इसमें केले, इसमें फिल्म, इसमें केले, इसमें फिल्म, इसमें केले, इसमें फिल्म। फिल्म का डब्बा है, केले का डब्बा है, फिल्म का डब्बा है, केले का डब्बा है, फिल्म का डब्बा है, केले का डब्बा। ये फिल्म का डब्बा है, केले का डब्बा है, नहीं ये केले का डब्बा है, फिल्म का डब्बा नहीं नहीं, फिल्म के केले, केले की फिल्म नहीं नहीं नहीं, केले का डब्बा, डब्बे का केला, केला फिल्म डब्बा, केला फिल्म, केले, केले फिल्म डब्बा। जैन की मोटर इसी रास्ते जाएगी, तैयार रहो। भागो, लो ये पिस्तौल और उस जगह जाके खड़े हो जाओ। जैसे ही जैन की मोटर निकला फौरन उस पे कूद पड़ना, हम तुम्हारे इंतजार में यहाँ खड़े। बहुत अच्छा, जाओ जल्दी करो। क्यों बच्ची, क्या है? श्यामू दादा, कहीं रेल के डाकू जयंत को तकलीफ ना पहुंचाए। बेटी, जयंत के फिल्म ले जाने की खबर हम तीन चार आदमियों के सिवा और किसी को नहीं मिला। फिर भी जयंत कैमरे के साथ पुल पर मौजूद था, ये तो बदमाशों को मालूम है। हाँ हाँ हाँ, ये खतरा जरूर है लेकिन फिक्र न करो, जयंत बड़ा चालाक लड़का है। बड़ी भूल की, आप जरा अपनी मोटर मुझे दे दो। बेटी मोटर तैयार है लेकिन इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी मुझे चिंता हो रही है, चलो जल्द चलो। बड़े जाने बन कर आए थे देखो छोकरे, अब तेरी कोई चालबाजी हमारे सामने न चलेगी। जब तक मैं ना कहूँ यहीं खड़ा रहना, वरना इस पिस्तौल की गोली तेरे कलेजे के पार होगी, समझा? भाई क्या कहता? अरे यही कि अगर आप न माना तो फिर तूफान ही तूफान है। बुद्धू लो ये पिस्तौल, इसकी अच्छी तरह हिफाजत करो, जब मैं मोटर के पास जाके आवाज दूँ फौरन चले आना। जाओ चलो दोस्तों, अपना काम बन गया। हाँ चलो चलो, भागते फिरते थे।
केला। बड़ा आया केले खाने वाला। मुझे सख्त अफसोस है, मैंने कोशिश तो बहुत की लेकिन। अबे ओ केले मास्टर, हंसता क्यों है? क्या तेरी नानी की शादी में केलों को दावत मिली है? भाई क्या करना, नानी तो डाकुओं की मरी है, यानी जाने। अरे लड्डू को क्या हो गया, बेवकूफ तू हंसता क्यों है? जाने ये, अरे ये तो फिल्म का डब्बा है। फिल्म का डब्बा तो फिर डाकू क्या ले गए? डाकू ले गए केले का डब्बा। शाबाश नब्बू, तूने तो कमाल कर दिया, क्यों शाम दादा? हाँ 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 जरूर जरूर। फिल्म तो बच गई मगर मेरे केले लूट गए। हाय हाय, घबराओ नहीं बच्चा लबू, बम्बई के स्टूडियो में पहुँच कर जितने केले झुकाएगा उतने ही खिलाऊंगा, और वो भी एक अच्छी सी केले वाली के हाथ से। और वो भी एक अच्छी सी केले वाली के हाथ से। चलो श्यामो दादा, अपना काम खत्म हो गया। हाँ, चलो 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 चल। किशोर,
बम का ध्यान है, मिल गया डब्बा फिल्म का, खत्म सब गुलाब। आज तो कमाल किया सविता और उसके साथ वालों की चटनी बना दी, और वो उल्लू का पट्टा श्यामलाल बीच में कूद पड़ा तो उसकी भी रग रग ढीली कर दी। श्यामलाल सविता की तरफ से लड़ने लगा? हाँ लड़ने लगा तो तू क्यों डर गई? मैं समझ गया अब शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? अरे तूफान, लड़ती है दो नाज़रीन, ये प्रेम का मैदान है, एक पुजारी दो है देवी, ये नया तूफान है। मिल गया रे मिल गया, फिल्म का डब्बा मिल गया, अरे मिल गया रे मिल गया, अरे फिल्म का डब्बा मिल गया। सिग्नल एक्स फायरिंग। यस मास्टर, फिल्म का डब्बा हाथ आ गया। फिल्म का डब्बा हाथ आ गया, बेवकूफो, गद्दो, नामाकुलो, कमबख्तो, उल्लू के पट्टो, फौजियो, बदमाशो, जरा डब्बा खोलकर देखो कि अंदर कैसी फिल्म रखी है। डब्बा खोल दो, देखो अंदर क्या है। फिल्म और क्या है? केले। ओ बाप रे केले, हाथ में केले पड़े, भाई अकल भी हैरान है, उड़ गया डब्बा फिल्म का, केले का तूफान है। यस मास्टर, डब्बे में फिल्म नहीं है। अच्छा बंद करो बेवकूफ गधे कहीं के। लाल वाली केबिन ए। हाँ 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 ठीक है। सरिता कल केबिन पर क्यों नहीं आई? क्या आप अपनी ड्यूटी का वक्त किसी स्त्री के ख्याल में गुजारते हैं? मिस्टर सुंदरलाल जी, तुम काम से गाफिल रहते हो, इसलिए तुम पर यह जुर्म है कि मैं तुम्हारे प्रेम का गुजारी हूँ। मगर सविता अब तो तुम्हारे प्रेमी से सब्र नहीं हो सकता, कब तक इस तरह हम दोनों इंतजार करते रहेंगे? जब तक सिग्नल एक्स का पता न मिले तब तक। हाँ हाँ, मगर गुलाब किसी ने तुझे देखा तो नहीं है, और अपने साथियों को भी खबर नहीं है कि तू यहाँ आई है। नहीं, तुम उसकी चिंता न करो, उन देवकूफों को बिल्कुल खबर नहीं कि श्यामलाल और सिग्नल है। चुप, आहिस्ता बोल गुलाब, बाज वक्त दीवार को भी कान होते हैं। श्यामलाल, ये लूट मार का धंधा कब खत्म हो जाएगा? गुलाब, अब थोड़े ही दिन में सबका खात्मा हो जाएगा, अपनी बाजी के एक दो दाव और उसके बाद 10 लाख रुपए के मालिक तू और मैं। तुम मुझे धोखा तो ना दोगे? धोखा? और तुझे दूं? गुलाब बेवकूफ सुन, मगन का तो मैंने फैसला कर दिया है, और बाकी रही है सविता। गावो गावो ऐ मेरे साधु,
कभी बुलाओ गम गावो गावो आए मेरे साधु सभी बुलाओ गम। 16 बरस से लूट मार कर पीते हैं हम लोग, 16 बरस से लूट मार कर पीते हैं हम लोग, अब फिर छोड़ सके हम कैसे, अब फिर छोड़ सके हम कैसे इसकी बरांडी है मेरे दादू सभी बुलाओ गम गावो गावो है मेरे दादू सभी बुलाओ गम। कितनी दूर भी जाए बसों के बिस्की रहेगी समीर, इतनी दूर भी जाए बसों के बिस्की रहेगी। अरे पीते पीते हरे गटर में, पीते पीते हरे गटर में सो जाओ हर दम गावो, ऐ मेरे दादू सभी बुलाओ गम गावो गावो, ऐ मेरे दादू सभी बुलाओ गम। सब होटल में जाओ तुम सब होटल में और खैर मनाओ अपनी, अरे हम पी पी कर गए नाचे, हम पी पी कर गए नाचे, सत्ता सही खम खम यार क्या कहूँ, जब असली गाना सुना था तो आंखें बंद करके मजे ले रहा था, और जब तेरा गाना सुना तो कान बंद करने पड़े वरना कान के पर्दे फट जाते। तू क्या गाना सुन रहा है समझने वाला। सविता भाई कहाँ है? बाबूजी सविता को बाई कहो या भाई कहो, वो जिम्नेशियम रूम में कसरत कर रही हैं। क्या मैं उनको बुला लाऊं? नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। जैसी इच्छा। हैंडो की बेटी, तूने नहीं देखा तो चाहे संधे पंचिंग बाल ने भी नहीं देखा।
अरे 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 ये कलाबाजी मुझे पसंद है। अरे 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 बच्चा लभू, जब अच्छे में अच्छा चीज मिलता है तभी कैमरा तैयार नहीं। तो क्या करना है? कौन जान? हेलो जान। फिल्म लाया? हाँ बहन, मैं फिल्म ले आया। तो क्या करना? तू फिल्म लाया तो मैंने क्या जामत की? हेलो श्याम दादा, आप आ गए? हाँ बच्ची, मैं आ गया। प्रणाम श्यामलाल जी। प्रणाम। हाँ बेटा जैन, क्यों स्टूडियो से फिल्म का डब्बा लेकर तुम सब आ गए? जी हाँ, ले आए। देखिए ना, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। वाह जैन वाह, अब चाकुओं का पता बहुत जल्द चल जाएगा। हाँ, आज रात को हम सारे ट्रायल लेना चाहते हैं। क्या आप दोनों तशरीफ ला सकते हैं? मैं मजबूर हूँ सविता, क्योंकि मुझे ड्यूटी पे जाना है। और मुझे भी अफसोस है, मैं भी शरीक नहीं हो सकता हूँ, क्यों कि मुझे बहुत जरूरी काम है। जो मर्जी जाए, आज रात को सब इंतजाम कर रखना। बहुत अच्छा बहन। मगर नेगेटिव फिल्म कहाँ है? हाँ वो तो यही रखी है। बहुत ठीक, तो शुरू करो। चल बच्चा लभू, लाइट्स ऑफ कर दे। भाई क्या करना है, मुझे केला तो खाने दे। अच्छा अच्छा खा ले खा ले। चल हुआ, अगर तू आज केला ना खाता तो सिग्नल एक्स का जरूर पता मिल जाता। भाई क्या कहना है? सिग्नल एक्स कॉलिंग, सिग्नल एक्स कॉलिंग। यस मास्टर। मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूँ कि जो हमारी फिल्म ली गई थी उसे मैंने जला दिया। अब जो मैं कहूँ उसे खूब गौर से सुनो। आज रात को 8 बजे नॉर्थ ब्रिज पर 2 मेल ट्रेनें मुकाबिल होगी। सुनो, सुंदर के केबिन में जाकर 4 नंबर की सिग्नल बदल दो, जिसका नतीजा ये होगा कि दोनों ट्रेनें आपस में टकरा जाएंगी। सुना, ये आखिरी काम है, अंजाम देने पर तुम सबको इनाम मिल जाएगा। मैं सब कहता हूँ ये जरूर आखिरी काम है, बंद करो। यस मास्टर। अगर मैं तो जाना नहीं चाहता। और मैं भी तैयार नहीं। मास्टर तो हर वक्त हमको धोखे में रखता है।
उसका वह मुकर्रर किया हुआ इनाम कहाँ है? नादानों, ख्याल तो करो, तुमने अपनी जान पर खेलकर हर एक काम को अंजाम दिया है। अब जरा सी बात के लिए हिम्मत हारे देते हो। ये आखिरी काम है, पूरा करो और इनाम लो। नहीं, जो मैं कहती हूँ वो सुनो। आज रात को क्या कहते हो? खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। चलाओ। ईश्वर के लिए ऐसा मत करो, मेरे ट्रेन दोनों आपस में टकरा जाएंगे। यही तो हम चाहते हैं। चलो जा रहा है। अच्छा मिल जाता हूँ।
धंधा। कौन? सिग्नल है? हाँ, सिग्नल है। चलो इसका भी खात्मा कर दे। नहीं नहीं, इसका बाप जगन्नाथ हमारे ही हाथ से मारा गया है, इसलिए इसका खून अपने सर पे नहीं लेना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? इसको यही छोड़ दो। नहीं, ये हमारे लिए खतरनाक है। जब ये होश में आएगा तो सब भांडा फोड़ देगा और एक नया तूफान शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा है तो इसको गिरफ्तार करके अपने साथ ले चले। हाँ ये ठीक है। हाँ ले चलो, बिल्कुल ठीक है, ले चलो साथ, ले चलो साथ। चलो तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं बाद में आऊंगी। मैं समझ गया। क्या समझ गया? ये नया तूफान। मगर मैं हूं कहां? ये भी नहीं बता सकती। क्या मैं अपने जान बचाने वाली का नाम पूछ सकता हूं? नहीं नहीं, ये बेकार है। तो मुझे आजाद ही कर दो। अफसोस, मैं अपने मास्टर के खिलाफ नहीं कर सकती, मगर तुम्हारी हिफाजत जरूर करूंगी। तो कम से कम मुझे प्यारी सूरत तो दिखा दो। नहीं नहीं, मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। Thank you.
सुंदर लाल, तू ड्यूटी के वक्त शराब पीकर फर्श से गाफिल रहा। का ये परिणाम हुआ कि दो ट्रेनें आपस में लड़ गई और हजारों जानों का नुकसान हुआ। अब तू अपने बचाव में क्या कहना चाहता है? पिताजी मैं खामोश। इस वक्त मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बेटा। इस वक्त इस कुर्सी पर मैं तेरा इंसाफ करने के लिए बैठा हूं। तो मैं ये कहता हूं, चंद डाकुओं ने मुझ पर हमला किया, मैंने उनका मुकाबला किया, सिग्नल एक्स ने आकर मुझको बेहोश कर दिया, उसके बाद खबर नहीं कि क्या हुआ। मगर इसका कोई सबूत नहीं। इसके बजाय ये देखा गया कि तू नशे में बेहोश था और तेरे मुंह से शराब खुशबू आ रही। मगर पिताजी, सो तूने अपने फर्ज को न पहचाना। पिताजी मैं अच्छी तरह अपने फर्ज को पहचानता हूँ। इसी गरज से मैं जबरदस्ती आजादी हासिल करूंगा और इस फर्ज को अंजाम दूंगा। ये कभी नहीं हो सकता, इसे पकड़ लो। मेरे रास्ते से एक और काटा दूर हुआ। प्रिय सविता, मैं रेलवे ऑफिस से भागकर प्रिय सविता किसकी? प्रिय सविता, मैं रेलवे ऑफिस से भागकर श्यामू दादा के यहाँ छुपा हुआ हूँ। डाकुओं का पता मैंने लगा लिया है। तुम श्यामू दादा के मकान पर मुझे आकर मिलो, मगर अकेले आना। तुम्हारा सुंदर। बेटा अब तू क्या करना चाहती है? मैं श्यामू दादा के मकान पर अकेली जाना चाहती हूँ। मगर वहाँ तो श्यामलाल भी मौजूद होगा। जरूर, मगर मुझे शक है कि सुंदर ना होगा। यानी बापू, मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि श्यामू दादा डाकुओं में शरीक है। बेटा सविता, सविता क्या तू पागल तो नहीं हो गई? नहीं। मगर मेरे भाई को मेरे खिलाफ काम करने में क्या फायदा? सिर्फ यही कि आप रेलवे कंपनी के नौकर और वो एरोप्लेन कंपनी का नौकर। यानी पिताजी सोचिए, रेलवे कंपनी के नुकसान में किसका फायदा है? एरोप्लेन कंपनी का। बस तो फैसला हो चुका। बच्चा नंबू, फ्रंटियर मैन ने कैसा कमाल किया? फिर क्या करना है? 11 बजे मैं श्यामू दादा के मकान पर जाऊंगी। अगर मैं एक घंटे में वापस ना हो तो पुलिस को लेकर सुनसान मकान में मेरी मदद के लिए पहुंच जाना। बहन समझ लो कि ये काम हो गया। और मैं खुद ब खुद श्यामू दादा के हाथ में गिरफ्तार हो जाऊंगी। इस तरकीब से सारे भेद जाहिर हो जाएंगे। बेटा जा, परमात्मा तेरी रक्षा करे। अगर तू वक्त पर ना आ पहुंची तो कल हाई कोर्ट में केस का फैसला मेरे खिलाफ होगा। पिताजी, उस वक्त पर सच्चे खूनी को अदालत में पेश ना किया तो मैं आपकी बेटी नहीं। एक दो सागर पिला देना मुझे, भर भर के जाम पिला दे महाराज।
आइयो ठहरो। दोस्तों हम लोग बहुत खुशियां मना चुके मगर मास्टर का मुकर्रर किया हुआ इनाम कहाँ है? वो तो हमको हमेशा बेवकूफ बनाता है। अगर ऐसा हुआ तो मिल जाएगा। तू तो हर वक्त यही कहती रहती है कि मिलेगा मगर कब? क्या तू इनाम का जिम्मा अपने सर लेती है? क्या इनाम का जिम्मा मैं अपने सर लूं? तो फिर तुम हाथ में चूड़ियां क्यों नहीं पहन लेते? ठहरो, मैं मास्टर के पास जाके अभी फैसला कर देती हूँ। तू फैसला करेगी? लो भाई अब शुरू हो जाएगा। क्या एक नया तूफान? अमा जाने भी दो, मास्टर की तरफ से कुछ जवाब आए वहां तक कुछ दिल बहलाए। दिल बहलाओ भाई, दिल बहलाओ। कौन सुंदर? क्यों खुद ब खुद चलकर शेरों की गुफा में आ गया? जैन से इस मकान का पता मालूम हुआ, मैं यहाँ आया और डाकुओं के हाथ गिरफ्तार हो गया। अब यहाँ से किस तरह चले? ईश्वर ने चाहा वो मौका भी जल्द आएगा।
मिस्टर जयंत, आप आ गए, मैं तभी से आपकी राह देख रहा था। मिस्टर श्यामलाल, हम अपने वादे से कभी नहीं फिरते। चलिए आइए। माय कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू मिस्टर श्यामलाल, आपने बड़ी खूबी से तमाम काम को अंजाम दिया। ये तो आपकी मेहरबानी है। कौन सी बड़ी बात है? मैं एरोप्लेन कंपनी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। लीजिए, ये कंपनी की तरफ से मुकर किया हुआ इनाम। थैंक यू मिस्टर जैन। देख लीजिए, इसके अंदर 10 लाख रुपए हैं। अजी, देखने की क्या जरूरत है? नहीं आकर ये तो। थैंक यू मिस्टर जैन, कुछ चाय थोड़ा मंगाओ। नो नो, डोंट टेक दिस ट्रबल। मुझे यहाँ से जल्द वापस जाना चाहिए, वरना मुझे कोई देख लेगा। खैर, जैसी आपकी मर्जी। चलिए, मैं दरवाजे तक आपको पहुँचता हूँ। वेल मिस्टर श्यामलाल, मैं इतना तो जरूर कबूल करूंगा कि अगर तुम जैसे बाहोश मास्टरमाइंड न होते तो हमें इतनी कामयाबी कभी न मिलती। अजी, मैं तो आपका नौकर हूँ और हर वक्त आपकी ऐसी खिदमत बजा लाने को तैयार हूँ। वेल, गुड लक मिस्टर श्यामलाल। श्यामो दादा, क्या आप 10 लाख का डल्ला ढूंढ रहे हैं? सविता, क्या तुझे सब मालूम हो गया? बहुत दिनों से मुझे शक था, मगर आज उसका सबूत भी मिल गया। नादान लड़की, क्या तू मच्छर होकर हाथी का मुकाबला कर रही है? नहीं, बल्कि शेर के पिंजरे में आकर मैं शेर को डरा रही हूँ। तो इसका अंजाम भी देख ले। हिंदा, मैं खुद वो जालिम जबरदस्त सिग्नल एक्स हूं। मैंने ही ईश्वर लाल का खून करके तेरे बेवकूफ पिता पर उसका जुर्म लगाया है। हो हो, तो अब आप क्या करना चाहते हैं? मेरी सब इच्छा तो पूरी हो चुकी, अब केवल एक बाकी है और वो तू पूरी करेगी। चलो, हाथ पीछे लो, चलो। थोड़ी देर में मेरा अरमान पूरा हो जाएगा और सारी दुनिया को डराने वाली फर्नीचर मेल मेरी वासना तृप्त करने का साधन बन जाएगी। चलो। कहाँ जाते हो श्यामलाल जी? कौन गुलाब, तू यहाँ क्यों आई? मैं क्यों ना आऊं? बस अपनी बाजी के एक दो दाम और उसके बाद 10 लाख रुपयों के मालिक मैं और तुम, इन लफ्जों का कहने वाला श्यामलाल या कोई और। चल हट जा, ये बकवास छोड़ दे। बेवकूफ, मैं कहता हूँ छोड़ दे, छोड़। चलाओ चलाओ। खबरदार, अगर जरा भी 3-5 किया तो इस पिस्तौल से तेरी जान ले लूंगा। चलो। बैठ जाओ।
शाबाश। अरे भाई कोई है? क्या है? अरे भाई थोड़ा सा पानी पिला दो। चलो उसको चल बांध दो। नहीं किशोर, पुलिस मेरी तलाश में, अगर मुझे देख लिया तो फिर गिरफ्तार हो जाऊंगा, इसलिए पहले तुम जाओ और मदद लेकर फौरन पहुंचो। मैं इन बदमाशों को रोके रखूंगा। बहुत अच्छा।
किशोर? हाँ, जिसने बुरखे में मुझको बचाया था वही सीसू है। मगर तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं डाकू के अड्डे से भागकर पुलिस को बुलाने जाता था, इतने में तुम लेवल क्रॉसिंग पर बेहोश हालत में पड़ी थी। मैंने आयन मौके पर आकर तुमको बचाया। मुझे सब याद आ गया। श्यामलाल, श्यामलाल सविता को उठा ले गया। क्या कहा? सविता को कहाँ? वो बदमाश उसको डाकुओं के अड्डे पर ले गया। तो आप पुलिस में जल्द खबर कर देनी चाहिए। पुलिस स्टेशन बहुत दूर है, अब हमको वक्त ना गंवाना चाहिए। तो चलो सविता की मदद को फौरन पहुँच जाए। क्या काम है? मैं मिस सविता के कहने पर यहाँ आया हूँ। मुझे रेल के डाकुओं के मकान का पता मिल गया है। क्या कहा? डाकू का पता मिल गया? जी हाँ, अगर आप पुलिस का एक दस्ता मेरे साथ रवाना करें तो मैं वहाँ ले जा सकता हूँ। जरूर चलो, सब लोग जल्द चलो।
श्यामू दादा, अब इस दुनिया में थोड़ी देर के मेहमान तुम हो, क्योंकि चंद मिनट में तुम्हारी खातिरदारी के लिए पुलिस हाजिर हो जाएगी। लो, अब पुलिस का तूफान है। पुलिस और मेरे लिए, श्यामलाल के लिए। पुलिस देखा जाएगा। ये क्या हो गया? सबके सामने बहादुरी दिखाने वाले जाबाजों, अब कैसे परिंदे की तरह पिंजरे में फंस गए हो? और गुलाब, क्या तू ये समझती थी कि तू मुझको धोखा दे सकेगी? अब तो मैं तुम सबको ठिकाने लगा देता हूँ। चलो दोस्तों, इन बदमाशों को यहीं छोड़कर निकल जाए और इस घर को डायनामाइट से उड़ा दे। बाप रे पुलिस, बाप रे। चलो, तू चाहे उतने केले खिलाऊंगा। अरे मगर पेट में मत मार, अरे खुदा के लिए पेट। चल बताओ ये दरवाजा किस तरह खुलता है? चलो जल्दी इस टेबल के नीचे का बटन दबा दो। अरे मंसूर, बैग दे दीजिए। खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस पिस्तौल का निशाना बनेगा। चलो उसका पीछा करें। चार कहना, कभी तो मैं आराम से खेले खा रहा हूँ।